करेंगे बिहार चुनाव की। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के भाई और बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू से बातचीत की हमारे संवाददाता शीरिन ने। नीरज सिंह बबलू इस बार भी चुनाव मैदान में। अब हमारी ये चुनावी यात्रा पहुंची है सुपौल। सुपौल के इस वक्त मैं छातापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। हम जनता से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ यहां के मौजूदा विधायक, छातापुर विधानसभा से मौजूदा विधायक और तीन बार विधायक रह चुके हैं, चौथी बार भी अपनी विधायक को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जनता से कई उन्होंने वादे किए हैं। यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं नीरज सिंह बबलू। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर। तीन बार आप विधायक रह चुके हैं और इस बार आप चौथी बार आप जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। सर ये बताइए कि इस बार आपके कौन से वो वादे हैं जो जनता उन वादों को आप समझे और उस पर आप पूरा खरा उतरने का दावा उनसे कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पूरा इलाका हम लोग का एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था, जीरो था पिछले 15 सालों में। और सबसे महत्वपूर्ण काम इस इलाके में सड़कों का किया गया है, बिजली का किया गया है, पानी का किया गया है, हर घर को बिजली दिया गया है, तमाम घरों में बिजली जल रही है। मैक्सिमम मुझे लगता है कि 90% इलाके में सड़क बन चुका है। पानी का काम जो इस इलाके में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज था वो पानी का काम किया गया है और मुझे लगता है कि इससे काफी लोग स्वस्थ रहेंगे। ये तमाम चीजें काफी जबरदस्त तरीके से इधर हो रहा है, लोगों में काफी उत्साह है एनडीए सरकार को लेकर के। सर मैंने देखा एनडीए सरकार की, क्योंकि आप बात कर रहे हैं आप भी जेडीयू में रह चुके हैं, उसके बाद आपने बगावत की जिसके बाद आप बीजेपी के टिकट पर पिछली बार भी चुनाव लड़े और इस बार भी बीजेपी के टिकट पर ही आपकी दावेदारी है। आपको लगता है कि उसका असर पड़ेगा क्योंकि नीतीश कुमार से नाराजगी लोगों की थोड़ी बहुत है? देखिए उसका ऐसा कुछ असर नहीं है, थोड़ा बहुत जो लोग नाराज है वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार एनडीए में है और एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार बेहतर काम कर रही है, केंद्र भी है, डबल इंजन की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी सपोर्ट कर रहे हैं अभी नीतीश कुमार जी को। तो लोगों को ये उम्मीद है कि नीतीश जी अगर फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में बचा खुचा सारा विकास का काम होगा, इंडस्ट्री लगेंगे और जो भी काम होना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन के मामले में काफी आगे जाने का प्लानिंग है। तो लोगों में एक काफी उत्साह है, काफी उम्मीद है कि इस बार और बहुत तेजी से बचा हुआ विकास का काम। लेकिन नीरज जी मैं क्योंकि आप ही के विधानसभा पूरा घूम कर आ रही हूं तो मैंने यहां पर रास्ते में देखा कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है इस बार, वो इस बार थोड़ी नाराजगी भी कई, वो कह रहे हैं कि विकास के काम नहीं हुए इलाके में। देखिए विकास के लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे, पलायन हो रहा है यहाँ। ठीक है, रोजगार अलग चीज है, पलायन अलग चीज है। सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, सड़कें नहीं रहती, बिजली नहीं होता, पानी नहीं होता, तो फिर रोजगार कहां से हो पाता। तो अभी पिछले 15 सालों में काफी सड़कों का जाल बिछाया गया है, बिजली आया है, पानी का व्यवस्था हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हो गया है। अब क्या है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए खेतों में बिजली दिया जा रहा है, खेतों तक सड़क पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इससे काफी लोग उत्साहित हैं और लोगों को ये लग रहा है कि अब रोजगार भी यहां पर मुहैया कराया जाएगा, रोजगार भी डेवलप होगा, इंडस्ट्री अगर लगता है तो पलायन रुकेगा, कुछ न कुछ बेहतर काम होने का उम्मीद है लोगों को कि बेहतर काम हो पाएगा अगली सरकार में। नीरज जी आपकी हाल ही के समय में हमने एक और पहचान देखी सुशांत सिंह राजपूत के बड़े भाई के तौर पर, चचेरे भाई। आपके साथ हमने देखा कि आपने उन्हें न्याय दिलाने के लिए बहुत मुहिम भी शुरू की, कई जगह पर आप सभाएं आपने की, आपने कोशिश की कि किसी भी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल सके, लेकिन अभी भी वो न्याय कहीं अटका हुआ है। ये बताइए कि लगा आपको कि इस बार बिहार में ये भी एक मुद्दा है? देखिए बिहारी बेटे के नाम से न्याय की मुहिम शुरू हुई थी। देखिए बिल्कुल सही बात है, एक उभरता हुआ कलाकार, एक काफी बिहार का एक बड़ा कलाकार हम मानते हैं कि उसका मैंने आकस्मिक निधन मानते हैं कि हो गया या जो भी हत्या कर दिया गया है, तो इन चीजों को लेकर के एक तो लेकिन आपने लगातार कहा कि मर्डर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो संदेहास्पद स्थिति में हम लोगों ने देखा तो मुझे पूरा यकीन था कि आत्महत्या नहीं कर सकता है, हत्या है, तो उसको लेकर के हम लोग काफी जो कर सकते थे विधानसभा में, मेरी वाइफ विधान परिषद में वो है, तो दोनों जगह आवाज उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से, फिर और जगह केंद्र में अपनी सरकार के लोगों से बात करके सीबीआई तक पहुंचाने के हम लोग काफी प्रयास किया और सीबीआई में गया भी अंततः, और सीबीआई जांच कर रही है और मुझे लगता है कि अभी भी हम लोगों को उम्मीद खत्म नहीं है कि जो दोषी है वो सामने आएंगे। निश्चित रूप से विश्वास और भरोसा है कि जो दोषी है अभी भी सामने आएंगे, सीबीआई अपना रिपोर्ट अभी खत्म नहीं किया, जांच खत्म नहीं किया है और हम फैमिली के मेंबर है, मैं भाई हूं, इसलिए मैं कभी इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, मैंने कभी चुनावी
मुद्दा नहीं बनाया और कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो बिहार का बेटा था, लोगों के दिल में जरूर एक गुस्सा आक्रोश है कि इतना अच्छा लड़का इतना कुछ कर रहा था जिसको मुंबई में मार दिया गया, यूं समझिए। तो मुंबई के लोगों के प्रति एक आक्रोश है, लेकिन बिहार में ये कोई मुद्दा हम लोगों ने कभी इसको नहीं सोचा है कि ये कभी मुद्दा। फिर आपके लिहाज से क्या मुद्दे हैं इस बार बिहार में? पर देखिए, युवाओं की भी लहर है, महागठबंधन अलग आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान, हालांकि वो तो अब आपसे अलग हो गए हैं, वो अलग ताल ठोक रहे हैं। तो इस बार क्या मुद्दे बिहार के हैं और युवाओं के जहन में क्या चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के जहन में जो रोजगार का है, काम का है, वो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से। सबको आशा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ की फिर से सरकार बनेगी और तमाम युवाओं को कहीं न कहीं रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और इतना सारा काम हो रहा है बिहार में, इतना काम हो रहा है कि रोजगार इतना डेवलप किया जा रहा है कि ये मुझे नहीं लगता कि कोई बेरोजगार यहाँ पर रह जाएगा। और सरकार सपोर्ट कर रही है मुद्रा लोन, आत्मनिर्भर बिहार और भारत के तहत इतना सारा पैसा रहा है कि जो भी बेरोजगार हैं सबको रोजगार देने के लिए लोन की व्यवस्था की जा रही है। लोग काफी आशान्वित हैं कि नई सरकार जो बनेगी उसमें रोजगार काफी मुहैया कराया जाएगा। और तेजस्वी यादव खुद भी 10 लाख रोजगार का वादा कर रहे हैं नौकरियों का। और दूसरी चीज उन्होंने एक बात और कही, आपने देखा होगा, प्याज की माला लेकर घूम रहे हैं कि नीतीश कुमार को पहनाएंगे इस बार। देखिए, वो उनका अपना काम है, वो युवा है मैं मानता हूं, लेकिन उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उनकी सरकार भी बन जाती है तो बिहार के पास इतना संसाधन नहीं है कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जब तक उसमें केंद्र मदद नहीं करेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। आपने तो दोनों देखे हैं, जिस डबल इंजन की सरकार की आप बात कर रहे हैं, आप जेडीयू में भी रहे, आप बीजेपी का दो बार से आप हिस्सा हैं, तो फिर ये बताइए 15 सालों में वो रोडमैप क्यों नहीं तैयार हो पाया कि लोगों को रोजगार मिल सके? आज भी मैं जहां जहां जा रही हूं सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। जितना संभव हो पा रहा है बिहार सरकार के तहत वो हो रहा है, लेकिन बिहार में मैं भी मान रहा हूँ कि इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री नहीं होने का कारण भी तो यही है कि बिहार में कुछ था ही नहीं, सीधा इंडस्ट्री तो नहीं लग सकता था बिहार में। 15 साल में अगर हम सड़क बना दिए हैं, 15 साल में पूरा बिजली आ गया है, 15 सालों में अगर पानी जा रहा है, एजुकेशन का लेवल ठीक किया जा रहा है, हेल्थ का लेवल ठीक किया जा रहा है, तो ये कम नहीं होता है। 15 साल उसके लिए हम समझते हैं कम है, आने वाले दिनों में ये काफी तेजी से रोजगार के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए इन तीन चीजों पर काम किया जाएगा, जिसके वजह से मुझे लगता है कि काफी आगे मन उत्साहित है, लड़के उत्साहित है, नौजवान उत्साहित है। नौजवान मैं इसी पे आ रही हूँ। इस बार आपके साथ एक साथी नहीं है एलजेपी, और खास तौर से चिराग पासवान, वो एक युवा चेहरा के तौर पर मैं देख रही हूँ जगह जगह उनकी बात हो रही है, वो चर्चा में है, इसका नुकसान एनडीए को ज्यादा होगा? देखिए, हम ऐसा नहीं मानते हैं। निश्चित रूप से चिराग पासवान जी युवा हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन अकेले अभी कुछ कर नहीं पाएंगे, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। और अगर वो साथ होते तो मुझे लगता है कि और ज्यादा बेहतर स्थिति में हम लोग रहते। युवा बिहारी का जो उनका नारा है, अगर वो साथ होते तो और बेहतर होता। जो उनके मन में है युवाओं के लिए काम करने का, वो निश्चित रूप से उनका मन पूरा होता। अच्छा, कोरोना काल में हमने देखा जब पलायन हुआ दिल्ली एनसीआर या फिर मुंबई महानगर जितने थे वहां से, उसमें एक अच्छी खासी जो तादाद मजदूरों की थी वो बिहार के मजदूर थे, यूपी के मजदूर थे। अब प्रधानमंत्री ने भी कहा था इस बात को कि ये मौका है राज्यों के लिए कि वो अपने उन लोगों को पलायन करने से अब रोकें जो वापस गए हैं। कोई इसको लेकर कुछ तैयारी की नीतीश कुमार ने या फिर बीजेपी ने? बिल्कुल, देखिए अब आने वाले दिन में वही तैयारी है। और जो अभी आत्म भारत और आत्मनिर्भर बिहार का एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, उसमें जो बेरोजगार लोग हैं या जो काम करना चाहते हैं, जो रोजगार अपना करना चाहते हैं, सरकार का पूरा सपोर्ट है कि ऐसे लोग आगे आए, यहीं पे काम करें। जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं वो मजदूरी ना करके यहाँ पर अपना व्यवस्थित करें, व्यापार करें, और सरकार सपोर्ट करने तैयार है। तो जब सरकार का हम समझते हैं कि पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हर तरह का सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट इतना ज्यादा सरकार आगे आई हुई है, तो लोगों में उत्साह है। हम लोग कैंप लगाए हैं, हम अपने इलाके यहाँ पर भीमनगर है, एक बड़ा सा गाँव हम लोगों ने उसे अडोप्ट किया है, गोद लिया यूं समझिए। तो उसमें हम कैंप लगा करके बैंक के अधिकारी को और इंडस्ट्री विभाग के लोगों को बुलाया था, सैकड़ों लोग उसमें आए, फॉर्म भरे हैं, और सैकड़ों लोग उत्साहित हैं कि हमको सरकार लोन देगी तो हम अपना रोजगार करेंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।